महंगाई के खिलाफ इलाकों केंद्र सरकार का नारेबाजी की और देश को महंगाई मुक्त करने की मांग भी की गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरी कांग्रेस दिग्गजों की फौज, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, देश को महंगाई मुक्त करने की मांग। पेट्रोल डीजल के खिलाफ, बंद करो, बंद करो, गैस सिलेंडर के खिलाफ, बंद करो, बंद करो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस दिग्गजों ने प्रदर्शन किया है और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देश को महंगाई मुक्त करने की कांग्रेस की तरफ से मांग की गई। मंतर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो भाजपा मोदी जी कल्पना करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, तो आपसे कहना चाहता हूँ ये कल्पना छोड़िए। आपको देश को महंगाई मुक्त भारत बनाई, इसीलिए आप जब नहीं बना रहे तो कांग्रेस ने आज महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। आज हम यहाँ अपने कार्यालय, अपने चौक चौराहे के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अपील की है कि देश के अंदर महंगाई चरम पर है, आसमान को छू रही है। और आज यही कारण है कि राहुल जी पार्लियामेंट से लेकर के पार्लियामेंट के बाहर धरना देते हैं, गैस रसोई पे सिलेंडर पे जो है अपनी माला चढ़ाते हैं। संदेश क्लियर है कि महंगाई बढ़ रही है। गैस सिलेंडर के रेट जो मात्र कांग्रेस के समय में 400 रुपये हुआ करते थे, 425 होते थे, और आज सिलेंडर के पार हो चुका है। पेट्रोल के उसके की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं कांग्रेस के समय से तुलना करेंगे तो आज भी सस्ता है। कांग्रेस के समय में जो डीजल पेट्रोल 70-65 रुपए के आसपास होता था, आज वो 100 के पार जा रहा है। 136-137 दिन के आराम के बाद भाजपा ने फिर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल हो या जो भी ईंधन है, CNG है, PNG है, केरोसिन है, सब पे रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। ऐसा ही कुछ नजारा दिल्ली के किराड़ी में भी देखने को मिला, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित आम जन महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे गए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता किराड़ी विधानसभा की अलग अलग गलियों से निकलकर गले में सब्जियों की माला पहनकर और हाथों में गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते देखे गए। प्रदर्शन के दौरान न केवल गले में सब्जियों की माला पहनी, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये बिजली पानी के ऊपर है, 15 दिन हो गए मेरे को नहाए हुए, पानी नहीं आता यहाँ पे। और केजरीवाल जी वादे करते हैं पानी इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, पानी नहीं है। 15 दिन हो गए रोटी बनाने के लिए खारे पानी से रोटी बना रहे हैं हमारे घरों में, हम खुद परेशान हैं, मरने की नौबत आ गई हमारी। गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं, पहले कर दिया केजरीवाल ने, इतने कारोबार पूरे ख़त्म कर दिए, कहाँ से पूरा हुए, कैसे खर्चे चले। मांग ये कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर कम हो और कुछ कारोबार में वो कोई खोले, उसको काम धाम दें, पेट्रोल के रेट कम करें, पेट्रोल महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी। का मतलब ये है, जैसे ये राशन जो हमें फ्री मिल रहा है, लोग बाग बहुत खुश हो जाते हैं, बस सब कुछ राशन ही नहीं होता है, हमें और भी कुछ खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, काम धाम हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे इतना। ये महंगाई तेल है, सिलेंडर है, और भी चीज़ें काफ़ी, वो भी महंगाई हो जा रही है। सर, ये महंगाई के खिलाफ हमारा प्रदर्शन, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हमारी जनता बहुत परेशान है, रोजगार किसी भाई के पास है नहीं, ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो कि हमारी माता रसोई का एक ऐसा काम है, तो कहते हैं रसोई से हमारी माता बहन दुखी, किसी का इतना मतलब केजरीवाल जी ने दारू की नीति ला के, सस्ती नीति ला के अपना ऐसा काम कर दिया कि सबके आदमी हो, नए यंग बच्चे हो, रोजगार दिया नहीं, दारू में डूब के पड़े। गौरतलब है कि बढ़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार आती, जगह जगह महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस आमजन के हित की आवाज उठाने का काम कर रही है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है और इस प्रदर्शन के बाद सरकार आगे क्या कदम उठाती है। कांग्रेस कार्यकर्ता है, इनकी मांग है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है ये कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महंगाई है उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बन रही है। देखना लाजमी होगा कि जो कांग्रेस का ये प्रश्न है, इसका असर केंद्र सरकार तक कितनी आवाज़ पहुंचा पाती है। अजीत कुमार, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।